जी, कक्षा 5 के अध्याय 15 जिसका नाम है पन्ना का क्या है। पन्ना एक वीर वीरांगना महिला का नाम है जिसने बलिदान दिया था, मतलब अपने पुत्र का बलिदान दिया था। किसके लिए? एक राजकुमार को बचाने के लिए। उसकी कहानी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा अध्याय 15 पन्ना का त्याग। अब इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है कि बूंदे ले हर बोलो के मुँह, के हर व्यक्ति के मुँह से हमने कौन सी कहानी सुनी थी? झांसी वाली रानी की। कौन सी कहानी? झांसी वाली रानी। उसको क्या कहते थे? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। मर्दानी का मतलब होता है मर्दों जैसे काम करने वाली। जैसे कि एक मर्द जो युद्ध लड़ सकता है, ठीक उसी तरह से इस झांसी वाली रानी ने भी युद्ध को लड़ा था। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ, गुनगुनाता मतलब गाते हुआ कौन आया था? खूबीलाल। खूबीलाल घर आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही थी। बस्ता का मतलब जो स्कूल का बैग होता है उसकी बात हो रही है। वो मेज पर बस्ते को रख करके वापस लौटना चाहा, वो वापस जा रहा था, तब उसने देखा कि जीजी खिड़की के पास में बैठी थी और बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही थी। तो उसने किसने खूबीलाल ने कहा, जीजी जीजी ओ जीजी। तो वापस जीजी क्या रिप्लाई देती है? हाँ आ गई खूबी। वापस खूबीलाल कह रहा है, हाँ आ गया, तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का पता भी नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। बाल सभा, बाल सभा का मतलब होता है छात्रों की, मतलब बालकों की, जो विद्यालय में जो बालक पढ़ते हैं उनकी सभा का मतलब। वहाँ पे विद्यार्थी बैठते हैं मिलजुल कर और उसमें कुछ अलग तरह के वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, अंतराक्षरी होती है, इस तरह से खेला जाता है। तो उसने कहा कि आज बाल सभा हुई थी जिसमें हमें बड़ा मज़ा आया था। मज़ा का मतलब आनंद आया था, हमें खुशी हुई थी। अब कुछ प्रश्न हैं इसी से रिलेटेड। मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। खूबीलाल की जीजी कहाँ बैठी थी? खिड़की के पास में। खिड़की के पास में बैठी हुई बड़े ध्यान से पुस्तक को पढ़ रही थी। खूबीलाल ने अपनी बहन से क्या कहा? उसने कहा कि आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि हमारे स्कूल में बाल सभा हुई थी जिसमें हमें बड़ा आनंद आया था। अब एक शब्द दे रखा कि मज़ा, शब्द का समानार्थक। समानार्थक मतलब होता है कि शब्द जिसका अर्थ सेम हो, तो मज़ा, मज़ा का दूसरा जो शब्द हम कह सकते हैं वो है आनंद। मतलब दोनों का जो अर्थ होता है वो सेम है, समान है। दूसरा पैराग्राफ, अच्छा क्या हुआ? अब वापस जीजी पूछ रही, अच्छा क्या हुआ? मतलब खूबीलाल ने कहा था कि आज स्कूल में अंतराक्षरी हुई थी, बाल सभा हुई थी और वहाँ पे हमें बड़ा मज़ा आया था। तो वापस जीजी पूछ रही थी, अच्छा क्या हुआ? अंतराक्षरी हो रही थी ना? अब खूबीलाल वापस कहा, अंतराक्षरी हो रही थी ना? रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई भी नहीं। कि रविंद्र नाम के एक बालक का नंबर आया तो ब से कोई ऐसी कोई कविता उनको सुनानी थी जो ब से शुरू हो, जिसका फर्स्ट अक्षर कौन सा हो? ब हो, लेकिन उसे आई नहीं थी। तब मैंने वो पंक्ति बोल दी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह। कौन सी वाली? ये, क्योंकि ये ब से शुरू होती है ना, इसका जो फर्स्ट जो अक्षर है कौन सा है? ब है। कौन सा है? ब। तो मैंने ये कविता बोल दी थी। ये कौन कह रहा है? खूबीलाल। किससे कह रहा है? अपनी जीजी से। तो जीजी कहे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जीजी कहे तो इसमें बड़ी बात कौन सी हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। कि मैंने तो एक पंक्ति बोली थी, मैंने तो एक ही लाइन बोली थी, लेकिन बच्चों ने हल्ला कर दिया कि पूरी कविता बोलो, पूरी बोलो। मैंने खूब ज़ोरदार स्वर में सुना दी, इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। अच्छा तभी तुझे बड़ा मज़ा आया? जीजी ने हंसकर कहा कि हाँ, इसका मतलब आपके लिए तालियां बजी थी इसलिए आपको बड़ा मज़ा आया था। खूबीलाल ने कहा,
खुबिला ने कहा हाँ तभी तो मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर पूछा तुम क्या पढ़ रही थी जीजी, ये खुबिला ने अपनी जीजी से पूछा कि आप क्या पढ़ रहे थे। नारी की कहानी, जीजी ने रिप्लाई दिया नारी की मतलब महिला की कहानी, नाम है उसका पन्ना धाई, पन्ना धाई। हाँ वो कह रही है कि मैंने नारी की महिला की कहानी पढ़ी जिसका नाम था पन्ना धाई। धाई का मतलब होता है वो स्त्री जो पालन पोषण करती हो, किसका, बच्चों का, उसको क्या कहा जाता है, धाई कहा जाता है। तो कुछ शब्दार्थ दे रखे, अंतराक्षरी मतलब एक खेल जिसमें अंतिम अक्षर को लेकर के अगला छात्र कविता की पंक्ति या शब्द बोलता है, जैसा अभी उन्होंने बस से खुबीलाल ने बोली थी ठीक उसी तरीके से। नंबर का मतलब होता है बारी, मतलब जो टर्न आती है ना कि एक के बाद में दूसरे दूसरे तीसरे चौथे इस तरह से अलग अलग बच्चों की बारी आती रहती है, तो नंबर का मतलब होता है बारी। अब कुछ प्रश्न इसी पैराग्राफ से रिलेटेड, रविंद्र किस अक्षर पर भटक गया, रविंद्र ब अक्षर पर, कौन से अक्षर पर भटक गया था, ब, उसको ब अक्षर से शुरू होने वाली कोई कविता सुनानी थी तो वो नहीं सुना पाया। बूंदे ले हर बोलो की कविता किसने सुनाई, यह कविता खूबी ने मतलब खूबीलाल ने सुनाई। जीजी किस नारी की कहानी पढ़ रही थी, पन्ना धाई की कहानी। नर शब्द का विपरीतार्थक मतलब विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द कौन सा है, नारी, नर का ओपोजिट मतलब जो लिंग परिवर्तन क्या होता है, नारी। अब तीसरा पैराग्राफ, वो नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना, खुबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा कि आपके जो सिलेबस है जो शब्दकोश है उसमें आपके तो ये है ना, कौन सा ये वाला, कौन सा पन्ना धाई वाला इसका नाटक जो आपके किसमें पाठ्यक्रम में है। जीजी ने हंसकर कहा, जीजी ने वापस मुस्कुरा के क्या कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई, तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी मुझे इस नाटक की कहानी सुना दो ना, तो आप अब मुझे क्या कहोगे, ये पूरी पन्ना धाई की कहानी सुनाने का आप मुझे कहोगे, इसलिए मैं आपकी बातों को समझ गई। खुबीलाल हंसने लगा, वो भी हंसा, तो अब जीजी कहानी सुना रही, सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्या बाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था, मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वो रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाई माँ थी, और कुछ उसने अपने राज्य के लिए अपने स्वामी के लिए किया वैसा संभवतः आज तक इस दुनिया में कोई नहीं कर पाया। अभी कह रही है कौन, जीजी, किसकी, खुबीलाल की जीजी कह रही है। इन्होंने कुछ रानी की बात कही कि जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, रानी दुर्गावती है, बेगम चांद बीवी है, अहिल्या बाई है, ये सारे महिलाएं किसमें, इनके जो नाम है वो वीर वीरांगनाओं में मतलब वीर नारियों के रूप में इनके नाम आते हैं और उनको गिना जाता है। ये कह रही थी इन सब के पास तो शक्ति थी, मतलब इनको तो कोई पद था, विशेष पद था, लेकिन ये जो पन्ना धाई है वो कोई रानी भी नहीं थी, कोई बेगम भी नहीं थी, ये तो एक धाई थी, पालन पोषण करने वाली जो महिला होती है ना जो महलों में छोटे बच्चों का पालन पोषण करती है, ये धाई थी। तो इनकी कहानी इन सब से हट करके है। अब पाठ्यक्रम का मतलब निर्धारित विषय जो शब्दकोश होता है वो, निकट का मतलब पास, मतलब का मतलब अर्थ या आशय, उसका मीन्स संगठन मतलब एकता, धाई मतलब पालने वाली माँ। अब खुबीलाल ने जीजी से क्या पूछा, खुबीलाल ने जीजी से लक्ष्मीबाई के नाटक के बारे में पूछा, उपयुक्त गद्यांश में किन किन वीर नारियों के नाम आए हैं, जो लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, बेगम चांद बीवी, अहिल्या बाई आदि महिलाओं के नाम। पन्ना कौन थी, पन्ना एक धाई माँ थी। पन्ना ने अपनी स्वामी के लिए कैसा कार्य किया, पन्ना ने ऐसा कार्य किया जो संभवतः दुनिया में किसी ने नहीं किया। तो अब आज का ये अध्याय हम यहीं तक करते हैं, इसके प्रश्न उत्तर आपको फोटो भेजी जाएगी जिसे आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आपका दिन शुभ हो।